बाद देखा और सोचे मैं आपके बाद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस आज सुबह सुबह हम घर से निकल गए थे क्योंकि मैडम का डॉक्टर के पास लेके आया था। आजकल हमारे डॉक्टर्स डे आउट बहुत चल रहे हैं, तो एनीवेज बस ऐसा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे दौर से गुजरते हैं ना, तो एक रिस्क डर लगता है, रिस्क नहीं लेना एक्चुअली। तो इसके कल रात से इसके एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन था, हमें डर था कि स्टोन कभी धोखे से कभी चीज़ें होती है ना कि यूरिन पास करने में भी हल्का सा पेन हो रहा है, तो वो डर था। बट सोनोग्राफी में ऐसा कुछ नहीं निकला है, अल्लाह करम से सब ठीक है। कोई नहीं, नॉर्मल मेडिकेशन होगा जो अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी सुबह से हम निकले हैं और फ्रेंकली बोलूँ सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है घर से, हम क्योंकि हम रहते हैं मीरा रोड, यहाँ पे हम आए हैं टाउन में, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, 3 घंटे में हम पहुँचे हैं, ट्रैफिक पीकर्स होते हैं ट्रैफिक के। तो हमने सोचा था कि हम निकलते हैं फटाक से और यहाँ पे कैंटीन में खाएंगे क्योंकि यहाँ की कैंटीन में खाना हमें बहुत पसंद है। लेकिन जब खाना खाने गए तो यहाँ पे इतना रश कि लिटरली बाहर तक लाइन लगी थी, बाहर तक 15-20 लोग लगे हुए थे लाइन में। तो हमने कहा नहीं यार, अभी नहीं रुक सकते, तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी एक नया जो है आउटलेट वो खुला है, अभी रिसेंटली ना, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, रिसेंटली अभी खुला है महाराजा भोग। और आप सबको पता है मुझे महाराजा भोग थाली कितनी पसंद है। हाँ जी भूख लगी जोर से ना, बहुत जोर। पेन कैसा तुम्हारा पर अभी? बेटर है ना? बहुत कम है अभी, क्योंकि टैबलेट ले ली थी ना, तो अभी बहुत कम है, बहुत, और अभी बस बहुत जोर से भूख लगी। कैसा है ये स्टोर? चमकती हुई थाली है क्योंकि नया स्टोर है, तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फटाफट खाना खाते हैं। आई थिंक इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो बिजी मार्केट स्ट्रीट है कालबा देवी का, उसके बीचों बीच है, तो लाइए। बहुत मस्त। चलो अभी जल्दी से मेरी फोटो खींच के दो। हो गया हमारा खाना। और एज यूजुअल जैसे कि आप सबको पता है खाना तो बहुत अच्छा होता है यहाँ का, महाराजा भोग एक्चुअली। और इस बार बस हम एक दूसरी ब्रांच में है यहाँ पे, जो है कालबा देवी में खुली है नहीं तो, और अच्छा है। मैंने आपको दिखाया अभी, मैंने आपको शॉट्स लगाया यहाँ पे, बहुत अच्छा फील है। और ये सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए है जो यहाँ पे मेन शॉपिंग वगैरह करने आते हैं, क्योंकि जब इन बिजी स्ट्रीट्स में आप पूरा दिन शॉपिंग करो तो ऑब्वियसली अगर कुछ खाना है और अगर होटल आसपास नहीं है तो पूरा बाहर निकल के जाओ, तो इस चक्कर में आप भूखे रह जाते हो। पर ये बिल्कुल बिजी मार्केट के बीचों बीच बनाया है, एंड तो पार्किंग का जरूर ध्यान देना। हाँ, पार्किंग का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अभी भी हमारे संतोष भैया नीचे गाड़ी में अटके हुए हैं, तो हमने एक थाली उनके लिए नीचे भेज दी कि आप नीचे गाड़ी में बैठ के आराम से खा लो, तो बस वो एक आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब आप ऐसी शॉपिंग करने आते हो तो आप गाड़ी बाहर मेन रोड पे लगा के फिर अंदर आते हो, तो दैट इज अभी वो बहुत दूर पड़ जाता है एक्चुअली। तो अभी अगर आपके पास ड्राइवर है, अगर आप रिक्शे से आ रहे हो, जैसे कभी ये निकलती है ना पूरा एक बार शॉपिंग करने के लिए दिन भर, तो आप समझे रिक्शा में आने का भी फायदा होता है। हाँ, तो आप बिंदास आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में जा सकती हूं लोकल में। और अगर हाँ बोलो, हाँ, और अगर ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं है,
तो आप बिंदास रिक्शे में आ सकते हैं, और अगर वो भी चीज़ नहीं हो पा रही है तो फिर आपके पास क्या बोलते हैं वो टेक अवे वाला थाली वाला जो उनके पैक्स आते हैं उसका भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे आके खाने का फील जो है ना वो बहुत अलग ही मिलता है, क्योंकि ऐसे मतलब जो आपका पेट भर जाता है ना उसके बाद भी दो तीन रोटी एक्स्ट्रा आप खाते हो, दो तीन रोटी आप एक्स्ट्रा खाते हो बिल्कुल आप मना कर ही नहीं सकते, मतलब वो लास्ट में ऐसे जैसे मम्मी पास बैठ के नहीं बचपन में खिलाया करती थी, चलो बेटा एक ने वाला और चलो एक ने वाला, और वैसे उतने प्यार से उनका स्टाफ खिलाता है, तो वो एक है। और शोएब ने जो बोला जो घर पे बॉक्सेस की जो बात है वो भी महाराजा ने इंट्रोड्यूस किया है काफी समय हो गया अब तो, कि आई थिंक दे कॉल इट थाली इन अ बॉक्स, या थाली इन अ बॉक्स, तो वो भी आप मंगा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से वैरायटी आती है, स्वीट भी आती है, जो स्नैक्स होते हैं वो भी आता है, सो या मुझे महाराजा बहुत पसंद है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, देखो जब चीट करता हूँ ना मैं, तो या तो मेरा पिज्जा ऑप्शन होता है या मेरा थाली ऑप्शन होता है, और थाली ऑप्शन के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आशीष महेश्वरी जी को कि इतनी अच्छी चीज़ निकाली थाली महाराजा भोग, जो मुझे बहुत सालों से पसंद है, महाराजा भोग उनका ब्रेन चाइल्ड है, और ये भी है, अगर आप लोग यहाँ पे हो, यहाँ पे आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक बार आके ट्राई करना चाहिए, फील लेना चाहिए बेसिकली आपको, चले थैंक यू मोहन सर। ये है मोहन सर, ये हमारा इनका बहुत पुराना रिश्ता है, हम जब ओबराय मॉल जाया करते थे मतलब 2012 से तब से ये वहाँ पे दिखते थे हमें, वहाँ पे रहते थे हमें पहचान के, तो इत्तेफाकन आज ये यहाँ पे भी हैं, तो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, हमारा और महाराजा भोग का भी कनेक्शन है, तब से रिलेशन है, हम हर आउटलेट में जा चुके हैं और यहाँ आज पहली बार आपको देख के बहुत खुशी हुई, थैंक यू सर, थैंक यू बाय बाय, थैंक यू। ये चलिए, थैंक यू बाय बाय। तो हम आके बैठ गए और हमने चाय मंगाई, और हमें चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है, जैसी चाय आई ना ये ऐसा लगा अदरक का पानी है बिल्कुल, क्यों? एक तो मैं अदरक वाली चाय वैसे भी नहीं पीती, और ये ऐसा लग रहा है कि चाय बना के ऊपर से अदरक का पानी डाला है, और कुछ एक अलग ही फ्लेवर है कुछ एक। और आज है नेक्स्ट डे, मैडम देखिए कार में मेकअप कर रही हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रे कीजिएगा कि वो मीटिंग अच्छी हो इंशाल्लाह, और फिर आपको बताएंगे उसके बारे में। जैसे कि आपने दीपिका के ब्लॉग में देखा होगा कि एक मीटिंग थी हमारी, और वो मीटिंग अल्लाह करम से काफ़ी अच्छी गई है, अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो आपको बातें बताएंगे। फिलहाल हम खाना खाने आए हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे रखे मीठा लिया, तो वहाँ पे जो बंदा था वो बोलता है कि सर आपको आपकी टेबल मिली, तो मैंने कहा हाँ मिली हम लोगों को टेबल मिली, अच्छा अच्छा आप लोग डिनर नहीं कर रहे, तो मैंने कहा नहीं कर रहे ना, नहीं एकदम से डिजर्ट पहले, तो अच्छा 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 ये सूप की तरह है आपका, वही मैंने बोलते हाँ। तो फिलहाल हम अपना डिनर जो है वो शुरू करते हैं, मीठे का फिरनी है और मलाई सैंडविच है ना, मैं खा रही हूँ चॉकलेट पुडिंग मलाई सैंडविच फिरनी, और ये पता नहीं क्या है इसका टैग नहीं लगा, वो बहुत गम है, किस टेंशन में हो? बैडमिंटन के। क्या टेंशन बैडमिंटन का? वही कोचिंग को लेकर। क्या कोचिंग को लेकर टेंशन में हो? हाँ कि काफी टाइम तो हो नहीं रही है अभी कोचिंग। क्यों? समझ में नहीं आ रहा। सर कहाँ हैं? वो अभी कुछ आउट ऑफ टाउन गए हैं, और अभी कभी हो जाते हैं हॉलीडे, अभी वैसे भी 3 दिन वीक में, कभी कुछ दिन नहीं जा पाते, अभी 1-2 दिन वीक में और 1 दिन होती है, और बाकी के जो 3 दिन है वो गैप हो जाता है, मीन ऐसा कि रेगुलर कह रहा है कि बॉडी से मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ऑब्वियसली तो बॉडी में बैठता नहीं है ना, तो 1 दिन होता है, फिर 2 दिन, अभी जैसे पिछले हफ्ते में सिर्फ 1 दिन हुआ, 3 दिन होना चाहिए हफ्ते में, तो वो एक ही दिन बुलाया, तो फिर बाकी के 4-5 दिन आपका स्ट्रेच गैप हो गया, तो वो वही बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, चेंज करना है अभी, तुम ही ने रोक दिया था मैं के रहन दो। हाँ वही बताता हूँ फिर क्या करना है। उसे एक अच्छा सलूशन निकाला, कहता मैं एक और महीना देखता हूँ, और एक महीने के लिए मैं जो एकेडमी है उसके
इसकी मेंबरशिप ले, तो मेंबरशिप लेने से क्या होगा, जिन दिनों इसकी क्लास नहीं है ये उस दिन जाके जो इसके दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कब है? परसों। तो परसों जाके, परसों जाके मेंबरशिप ले लो, ठीक है? हाँ हाँ जी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रही है? इसका पैर मैं चेक कर रही हूँ, पैर उठा रहे हैं, पैर उठा, इसके ऊपर रख, 26 सेंटीमीटर है। एक तो इसके शूज़ का इतना प्रॉब्लम होता है ना, एक्चुअली इसको कई दिनों से शूज़ का प्रॉब्लम चल रहा है। पहले 7 नंबर इसको ऑर्डर करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, और फिर 8 नंबर कर रहा है, मैंने अभी इतना शूज़ मेजर करवाया तो वो बड़ा हो रहा है, तो क्या करें, तो करें क्या? इन दोनों भाइयों को कन्फ्यूजन है ब्रांड में, वो अलग ब्रांड की बात कर रहा है, ये अलग ब्रांड की बात कर रहा है, और दोनों के दोनों कन्फ्यूजन है। इसे मैंने बोलना ही पड़ता है, मैंने इससे मेजर कर दिया, आपने जो भी ये किया इससे मेजर। अच्छा अभी आप लोग बताओ, ये नया मैंने स्वेटशर्ट पहना है, एक्चुअली दीपिका ने अपने लिए लिया है, तो मैंने उसका ट्राई करने के लिए लिया है, कैसा लग रहा है? ये बोल रही है मुझे पहनने नहीं देगी, ये मेरी कितने स्वेटशर्ट पहनती है, पहनती है ना, पहनती थी, अब मैं वो पहनती हूँ जो शोएब निकाल के सो कॉल्ड फेंकने के लिए रख देते हैं, अब मैं बेचारी वो वाले उठा के पहनती हूँ, मैं वो नहीं पहनती जो नए लेके आते हैं, क्योंकि अब ये इतने चलाक हो गए ना, ये नए ऐसे साइज के लाते हैं जो मैं नहीं पहन पाती। नहीं पर ये कैसा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूँ, मस्त लग रहा है ना, बहुत मस्त लग रहा है, इसलिए मैंने बोला वीडियो शूट कर लो, देख लेना कि बहुत अच्छे लग रहे हो, इसके बाद नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा लग रहा है तो मैं अभी मैं कल ही इसके ऊपर मिनी माउस बना दूंगी, फूल बना दूंगी, इसे रेड हेयरबैंड के साथ और बो के साथ उसके साथ तुम पैक। अभी मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला, मैं ट्राई कर लेता हूँ, पर अच्छा लग रहा है ना, है ना, अच्छा लग रहा है, तो पहनना चाहिए ना, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग राइट, जाओ बिल्कुल जाओ। अच्छा रखो सर पे, अरे शेयरिंग मतलब पहन सकती हो वापस? नहीं नहीं, तुम वार्डरोब में मुझे देगा काहे नहीं देगा? अच्छा, वार्डरोब शेयर काहे नहीं करेंगे? शेयरिंग इज केयरिंग। अभी कुछ बोल रहे हैं? अभी कल रात के बाद फिर कुछ शूट नहीं किया, फिर दीपिका चली गई थोड़ा काम से बाहर, मैं यहीं पे हूँ, मैं अभी जिम गया और फिर उसके बाद डांस क्लास, आज बैक टू बैक दोनों चीज़ें थी तो काफ़ी थक गया हूँ, देख रहे हो भी आप कैसे स्वेटिंग स्वेटिंग है। और रेहान जब से घर पे है, रेहान आजकल बहुत समझदार हो गया है, बहुत ज़िम्मेदार हो गया है, जब हम दोनों घर पे नहीं होते हैं तो रेहान पूरी ज़िम्मेदारी उठाता है, पापा के साथ में रहता है, पापा के पास में रहता है, ताकि अकेलापन उन्हें महसूस ना हो, तो समझदार हो गया है लड़का। तो बस अभी हम बैठे हुए हैं, फिर पापा का फिजियो शुरू होगा, और अभी बस मैं जिम से आया हूँ, थोड़ा स्वेटिंग पसीना जो है वो सुखा लूँ, फिर नहाने जाऊँगा, फिर इंतज़ार करेंगे मैडम का। दिन भर तुम बाहर घूमी हो आज? हाँ। होगा सारे काम? देखो आपके साथ जाना तो छोटे मोटे काम नहीं होते, हाँ। इस शॉप पर को ये एक चीज लेनी है, उस शॉप पर को वो एक चीज लेनी है, तो वो सारा मैंने आज कर लिया। सही है। क्या सोच रहे हो ऐसे पाव भाजी पानी पूरी खाना है? क्या लिख रहे थे बोलो? इसका रिजा का? हाँ क्या हुआ, कुछ बोल रही हो? आपने आज कुछ नोटिस नहीं किया? मुझे भी कुछ नहीं, बेचारे टेंशन में आ गए कि ओ ये हो गई, मैंने नोटिस नहीं किया, आप डांट पड़ेगी। किस चीज में? आज संतोष भैया को भी मैंने बहुत हंसा दिया। क्या बोलो, मैं नोटिस करने वाली बात कौन सी क्या है? ये है कि मैं अपनी सारी स्वेटशर्ट्स बैग में डाल के गाड़ी में लेके गई थी। अरे मैंने कहा था कौन से वो ब्लू वाली निकाल के मैं डाल के गाड़ी में लेके गई थी कि पहनने नहीं दूंगी, पर है कहाँ वो गाड़ी में? मैंने बोला मम्मा तो ऊपर लेके आना। या पर मैं या वो स्वेटशर्ट में जिम में थोड़ी पहन के जाऊंगा, मैं कभी बाहर निकला किसी काम से कुछ तो मैं को लगा अगर मुझे छेड़ना हुआ और जिम से वापस आके डांस में चेंज करके चले गए तो मुझे रिस्क ही नहीं लेना। अब तुम मेरी एक भी स्वेटशर्ट कभी पहनो जो बहुत मेरी कितनी कभी गैप की कभी किसी की पहन लेती है। आपकी पुरानी वाली पहन। हाँ नहीं कोई नहीं, नहीं पहन सकती। नहीं भी पहनी है तुमने? हाँ नहीं पहनी। ठीक है कट्टी अभी कट्टी अभी 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 नहीं कट्टी, ऐसा कौन करता है यार? ये तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, वो जो कार में जो भी रखी है ना स्वेटशर्ट वो लेके आओ, नहीं नहीं भैया धर्म संकट में मेरा सुनेंगे कि आपका नहीं नहीं संतोष देखो संतोष नहीं, नहीं, नहीं संतोष मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, कल मेरे को चाहिए आप मेरी बात मानोगे? तो ये दही बड़ा भी मंगा दिया ठीक है, ये बस पानी पूरी खाएंगे। ओ
देख लेना आपका मन करे तो, एक दो बाइट अगर खाना है तो खा लेना। तो बेसिकली आज पापा का ना थोड़ा सा कुछ मूड चेंज खाने का मन कर रहा था, क्यों आज उन्होंने खुद से बोला, जो नहीं बोलते हैं खाना अभी प्रॉपर नहीं खाते हैं, खुद से बोला कि आज मुझे पानी पूरी खानी है, तो पानी पूरी खा रहे हैं। अच्छी है, दही बड़ा भी है और ये चल रहा है इंडिया का मैच। आई होप इंडिया जीते, इसमें भी जीतने वाली है, बस 3 विकेट चाहिए। विशाल सब खा रहे हैं पानी पूरी, हम खा रहे हैं अपना खाना, कोई नहीं। जीत गई जीत गई इंडिया, खुश हैप्पी क्यों? ओहो कौन आया भाई, ठीक है ठीक है क्या ठीक है छतरी ये क्या है? वो केक है। अच्छा मतलब अपने बर्थडे केक आप अपने हिसाब से खुद ही यहाँ से जा रहे हो, वाह 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 वाह, हाथ मिला हाथ में, चलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो ये है मिस्टर आरिफ, इनको आपने देखा होगा हमारे साथ कई बार, बड़े सीधे बंदे हैं, सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत टेढ़ा है ये बहुत टेढ़ा है। और आज है इसका बर्थडे, तो आप भी अपनी विशेष दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और केक काटे बेचारा खुद ही अपना केक लेकर आया, बारिश इतनी हो रही है ना यहाँ पे अभी कि हम लोग कहीं निकल ही नहीं पाए, तो कुछ बोलेगा कैसी खड़ा रहेगा? थैंक यू भाई चलो केक काटते हैं। Happy birthday dear darling, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you. भाई ऊपर भी देख लो थोड़ा, ऊपर नहीं जाऊंगा, भेदभाव पूरा ले लेंगे। तो बस अभी मैं आ गया हूँ ऊपर और ये था वीडियो। एक्चुअली ये मैंने 2-3 दिन का वीडियो जो है वो मर्ज करके डाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वक्त नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी फ़िलहाल मैं उलझा हुआ हूँ। और यस पिछले 3-4 दिनों से मन भी अच्छा नहीं था, तो ये भी एक रीज़न था, बट एनीवेज अभी डाल दिया है तो इसको आप देख लीजिएगा ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं फ्रीक्वेंट रहूँ और उसके बाद जल्दी जल्दी ब्लॉग्स मैं आप सबके लिए डालता रहूं। तब तक ये देखिए और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्ज़ी आए वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनको केयर, उनकी हिफाजत, उनको वक्त ज़रूर दीजिए और बस खुश रहो बिना किसी टेंशन के। अल्लाह हाफिज़।